इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लेकिन हमारे रिपोर्टर दिनेश मौर्य मुंबई के मड आइलैंड में उस बंगले पर पहुंचे जहां पर आरोप है कि इन फिल्मों की शूटिंग की जाती थी। वहां से दिनेश मौर्य की ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमें मुंबई के मड स्थित ग्रीन विला बंगले के भीतर आरोप है कि इसी बंगले के अंदर अश्लील फिल्मों की शूटिंग की जाती थी। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक इस बंगले को किराए पर लिया जाता था। प्रतिदिन किराया करीब 15,000 से 20,000 रुपए होता था और शूटिंग के पहले इस बंगले के जो कर्मचारी हैं, मालिक है, उन्हें बाहर जाने के लिए कहा जाता था और शूटिंग के ठीक पहले इस बंगले को चारों तरफ से एक नीले पर्दे से कवर कर दिया जाता था ताकि बाहर से गुजरने वाले लोगों को यह पता ना चल सके कि अंदर किन फिल्मों की शूटिंग हो रही है। यहाँ पर जो लड़कियाँ लाई जाती थी, उन्होंने पुलिस को बयान दिया है कि शूटिंग के पहले उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उन्हें जो है अश्लील फिल्मों की शूटिंग करने के लिए दबाव डाला जाता था। साथ ही में ये भी आश्वासन दिया जाता था कि अगर उन्होंने इस फिल्म को किया, इस शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री को शूट किया, तो उन्हें बड़े फिल्मों में मौका दिया जाएगा। और इस मौके की बात करने के दरमियान उन्हें बड़े बड़े नाम बताए जाते हैं कि इस फिल्म से, इस डॉक्यूमेंट्री से जुड़े बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल है इस पूरी शूटिंग प्रक्रिया में। और एक बार फिल्म शूट होने के बाद इस शूट की जो लिंक है वो ईमेल के जरिए विदेश भेजी जाती थी और विदेश में एक यूके बेस्ड वेबसाइट है और कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी, उसकी मदद से OTT प्लेटफॉर्म्स पर इन फिल्मों को अपलोड किया जाता था। क्राइम ब्रांच सूत्र बता रहे हैं कि राज कुंद्रा का संबंध यूके बेस्ड इस प्रोडक्शन कंपनी से था। इस कंपनी में राज कुंद्रा के स्टेक्स होने की सीधी जानकारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगी और उसी के बाद ये पूरी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसी बंगले के अंदर जो फिल्म शूट हुए थे उनमें से 8 फिल्मों को अपलोड करने का काम राज कुंद्रा के कंपनी में काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी कामत ने किया था। और कामत के बयान के जब उनसे सवाल जवाब किया जा रहा था उसी दौरान पहली बार राज कुंद्रा का नाम सामने आया था। अगर आप इस पूरे बंगले को देखेंगे तो ये बंगला काफ़ी बड़ा है और इस बंगले के अंदर ये फिल्म शूट होती थी। यहाँ के आसपास भी और कई सारे इसी तरह के बंगले हैं। हर बार जब भी यहाँ पर शूटिंग करनी होती है, इस अश्लील फिल्मों की शूटिंग करनी होती थी, तब यहाँ के ओनर्स को कहा जाता था कि वो किसी मराठी फिल्म को शूट करना चाहते हैं या किसी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं, लेकिन इन फिल्मों की आड़ में असल में इस बंगले के भीतर अश्लील फिल्में शूट की जाती थी। अब चूंकि ये पूरा मामला सामने आ गया तो क्राइम ब्रांच की टीम और भी जांच कर रही है कि आखिर और कितने सारे बंगलों का इस्तेमाल किया जाता था इस तरह पे फिल्म की शूटिंग के लिए। और अब पूरे मामले के तह तक जाने के लिए कोशिश क्राइम ब्रांच कर रही है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद और भी कई बड़े नाम इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं। कैमरामैन संतोष पालनकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी मुंबई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।